किसान खूब मेहनत करता है, खेत में पसीना बहाता है, दिन रात एक करता है, तब जाकर कहीं अच्छी फसल होती है। ऐसे में जब वो बाजार में फसल बेचने जाता है और उसे मन मुताबिक कीमत नहीं मिलती, तो जरा सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। ऐसा ही मामला एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक रसीद वायरल हो रही है, जिसे देख लोगों को गुस्सा आ गया। मामला कर्नाटक के गदग का है, जहां से एक किसान प्याज बेचने के लिए 415 किलोमीटर का सफर करके यशवंतपुर बेंगलुरु पहुंचा। यहां उसे 205 किलोग्राम प्याज के बदले कुल 8 रुपये 36 पैसे ही मिले। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के गदग जिले के किसान पावा देपा हलिकेरी 415 किलोमीटर की दूरी तय करके बेंगलुरु के यशवंतपुर बाजार में अपनी प्याज की उपज बेचने गए थे, लेकिन वहां उन्हें 205 किलोग्राम प्याज बेचने पर केवल 8 रुपये 36 पैसे ही मिले। इससे नाराज पावा देपा ने फसल बेचने की रसीद सोशल मीडिया पर साझा की और दूसरे किसानों को बेंगलुरु आकर अपनी फसल न बेचने की हिदायत दे दी। उन्होंने कहा कि बिल जारी करने वाले थोक व्यापारी ने उन्हें प्याज की कीमत 200 रुपये प्रति क्विंटल बताई थी, जो कुछ रोज पहले 500 रुपये के आसपास थी। दरअसल किसान को 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 410 रुपये मिलने थे, लेकिन प्याज खरीदने वाले व्यापारी ने कुली शुल्क के 24 रुपये और माल ढुलाई के 370 रुपये 64 पैसे काट लिए, जिसके बाद किसान को पूरी फसल के सिर्फ 8 रुपये ही मिले। इसके अलावा किसान ने मीडिया से कहा कि उन्होंने प्याज की फसल उगाने और उसे बाजार तक पहुँचाने के लिए 25,000 रुपये से ज्यादा खर्च किए थे। यशवंतपुर में पुणे और तमिलनाडु के किसानों को उपज के लिए अच्छी कीमत मिल रही है क्योंकि उनकी फसल बेहतर है, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हमें अपनी उपज की इतनी कम कीमत मिलेगी। इसी मामले में कर्नाटक राज्य रायता संघ के जिला अध्यक्ष यलप्पा बाबरी ने राज्य सरकार से प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब सोशल मीडिया पर फसल बेचने की रसीद वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे में हमारे किसान भाई आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि एक तरफ बाजार में और ऑनलाइन 1 किलो प्याज 25 से 31 रुपए किलो में बिक रहा है, जबकि किसान को 200 किलो प्याज के सिर्फ 8 रुपए मिल रहे हैं। ये कैसा न्याय है? आखिर पैसा कौन खा रहा है? तमाम यूजर्स ने इसे शर्मनाक और शॉकिंग बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।